हेलो लर्नर्स, इस वीडियो में हम जावास्क्रिप्ट सीखेंगे फ्रॉम द वेरी बिगनिंग टिल द एंड। ये बिगिनर फ्रेंडली है, तो अगर आपने जावास्क्रिप्ट या फिर कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पर पहले काम नहीं किया हुआ, सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। ये बिल्कुल, इसमें हम एक एक चीज़ डिस्कस करेंगे। जो भी हम लाइन ऑफ कोड लिखेंगे वो मैं आपको समझाऊंगा कि वो लाइन क्या कर रही है, ठीक है। इस ट्यूटोरियल को फॉलो करने के लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप पूरी वीडियो देखें, थोड़ा कोड समझें, उसके बाद वीडियो पॉज करके आप अपने पास वो कोड लिखें, पहले खुद लिखें, एंड If there is any error, आप उस एरर को खुद रिजॉल्व करने की कोशिश करें, वरना फिर आप कोड देख सकते हैं, ठीक है। और अगर रिजॉल्व नहीं होता आप मुझे बता सकते हैं कॉमेंट्स में, मैं आपके वो इशूज को रिजॉल्व करने की कोशिश करूँगा। इसके अलावा हम इस ट्यूटोरियल में रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल्स पे काम करेंगे एज मच एज पॉसिबल, ताकि आपको कोड समझने में आसानी रहे और आपको समझ आए कि हम जावास्क्रिप्ट से क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। इसके अलावा जावास्क्रिप्ट से एंड में मैं आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोजेक्ट बनाऊंगा, तो उसमें जो ज़्यादातर चीज़ें हम टॉपिक्स कवर करेंगे वो सारी उसको आप अप्लाई कर सकेंगे उसमें, और वो प्रोजेक्ट्स आपके लिए बड़े हेल्पफुल साबित होंगे। आप उन्हें अपनी पोर्टफोलियो में, अपनी सीवी वगैरह में मेंशन कर सकते हैं। इसके अलावा मैं कुछ आपको टेक होम टास्क भी दूंगा, टेक होम प्रोजेक्ट्स दूंगा, जो आप बगैर ट्यूटोरियल फॉलो करें उसे आप बनाने की कोशिश करें, एंड होपफुली यू विल बी एबल टू मेक दोज प्रोजेक्ट्स, एंड वो भी आप शोकेस कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में। इस वीडियो में मैं टाइम स्टैम्प्स ऐड करूंगा, तो अगर आपने जंप अराउंड करना हो अलग क्वेश्चन के ऊपर तो आप इजीली मूव कर सकते हैं, लेकिन अगर आप बिगिनर हैं, आपने जावास्क्रिप्ट पर काम नहीं किया हुआ, सो आई विल रिकमेंड कि आप सारे क्वेश्चन को देखें, एक एक चीज़ पे काम करें, तो कोई भी चीज़ यूजलेस नहीं आप उसको कंसिडर करें। इसमें इस ट्यूटोरियल में मैं आपको सारे वो टॉपिक्स कवर कराऊंगा जो बहुत ज़्यादा जावास्क्रिप्ट के डेवलपर्स को ज़रूरत पड़ती है, एंड वो अपनी कोडिंग के अंदर उन्हें रूटीन बेसिस के ऊपर यूज़ करते हैं। अच्छा, अब हम देख लेते हैं व्हाट एंड व्हाई ऑफ जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट क्या है और जावास्क्रिप्ट सीखना क्यों ज़रूरी है। जावास्क्रिप्ट एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि बेसिकली मेनली यूज़ होती है वेब डेवलपमेंट के अंदर, यानी कि कोई भी वेबसाइट है इंटरनेट के ऊपर, वो मेनली तीन टेक्नोलॉजीज तो उसमें लाजमी यूज़ हो रही हैं, एक HTML, एक CSS एंड एक जावास्क्रिप्ट, ठीक है। जावास्क्रिप्ट बिल्ट इन आपके ब्राउज़र में रन होती है, आपको कोई एक्स्ट्रा कंपाइलर कुछ इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है जी। यही वजह है कि हर वेबसाइट्स जो हैं वो HTML CSS जावास्क्रिप्ट यूज़ करती हैं, क्योंकि वो ब्राउज़र के थ्रू आप इंटरनेट पर जाते हैं, तो जब भी वेबसाइट आपके ब्राउज़र पर लोड हो रही है तो उसको ये तीनों चीज़ें फैसिलिटेट आपका ब्राउज़र कर रहा होता है। उसके अलावा जावास्क्रिप्ट ना सिर्फ इसके लिए ना सिर्फ फ्रंट एंड पे यूज़ होती है, बैक एंड पे भी यूज़ होती है। जब से नोड JS हमारे पास आया है, ठीक है, इंट्रोड्यूस हुआ है। नोड JS क्या है, बेसिकली सर्वर साइड रन टाइम इन्वायरमेंट है, यानी कि जो जावास्क्रिप्ट ब्राउजर पे रन, जो ब्राउजर पे इन्वायरमेंट उसे मिलता था रन करने के लिए, वो अब उसे सर्वर साइड पे भी मिल रहा है, यानी कि आप उसे क्लाइंट के अलावा सर्वर पे भी रख सकते हैं, अपने लैपटॉप पे रन कर सकते हैं, तो आप उससे यानी कि वेबसाइट का बैकएंड भी बन सकता है, और बैकएंड और फ्रंट एंड तो पहले से ही बनता था, यानी कि जावास्क्रिप्ट की स्ट्रेंथ डबल हो गई है और जावास्क्रिप्ट के डेवलपर्स भी इंक्रीज हो गए हैं और जावास्क्रिप्ट की डिमांड भी इंक्रीज हो गई है। एंड जावास्क्रिप्ट को एडवांटेज इस वजह से भी है कि तो इसकी डिमांड ज़्यादा है, बैक एंड और फ्रंट एंड दोनों जगह यूज़ होती है, एंड सेकेंडली ये इजी लैंग्वेजेस में से काउंट होती है, ये वन ऑफ द इजी लैंग्वेजेस हैं, यानी कि ऐसा नहीं है कि इतना ज़्यादा इसके फायदे हैं तो ये इसको सीखना मुश्किल हो, इसका डिफिकल्टी लेवल हाई हो, नहीं, इसका डिफिकल्टी लेवल भी हल्का है, आप इजीली इसे लर्न कर सकते हैं, और ये बिगिनर्स के लिए बिल्कुल हाईली रिकमेंडेड लैंग्वेज होती है कि अगर आप चाहें तो अभी पहली लैंग्वेज जावास्क्रिप्ट हो, दैट इज़ वेल एंड गुड। अच्छा, जावास्क्रिप्ट सीखना क्यों ज़रूरी है। जावास्क्रिप्ट मैंने आपको जैसे बताई दिया कि एक तो ये बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, बहुत ज़्यादा हाईली डिमांड में है और हाई पेइंग इसके जॉब्स हैं, और अगर आप इसमें ये ट्यूटोरियल फॉलो कर लें, आप एक्चुअल कोडिंग करें जावास्क्रिप्ट की और एक्चुअल प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, तो आप अगर चाहें फ्रीलांसिंग, अगर आप इंटरेस्ट है आपका, तो वो प्रोजेक्ट्स शोकेस करके आप फ्रीलांसिंग के प्रोजेक्ट्स विन कर सकते हैं, या इसके अलावा अगर आपको जॉब्स के लिए अप्लाई करना है तो आप जॉब्स भी इन प्रोजेक्ट्स बना के अपने पोर्टफोलियो में शो करके आप स्टैंड आउट कर सकते हैं कंपेयर टू अदर एप्लीकेंट्स।